हम एक बार फिर अपने सभी मीडिया बंधुओं का त्राहिमाम के सेट पे स्वागत करते हैं। और त्राहिमाम आप देख ही रहे हैं, त्राहिमाम ये त्राहिमाम मचा हुआ है। तो आज त्राहिमाम मचा हुआ है और ऑन सेट पे आप सब आए, बड़ी खुशी की बात है। ये एक फिल्म हम लोग बना रहे हैं और ये बड़ी एक सत्य घटना पे आधारित है फिल्म, जिसका बहुत जल्दी आप लोगों को सब्जेक्ट पता लग जाएगा। तो आज सेट पे मुश्ताक खान साहब, आदि ईरानी साहब, पंकज बैरी, मनोज भाटिया, तो कई सारे नामचीन सितारे हैं। इसके अलावा इस फिल्म में अर्शी खान हैं, कविता त्रिपाठी हैं। तो मेरा सौभाग्य कि मुझे इतने बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट करने का अवसर मिल रहा है। सर, ढेरों सारी गोलियां लगी हैं, थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस जरा शेयर करेंगे कि कुछ क्या सीन था ये? मुश्ताक भाई बताइए, क्या सीन है ये क्या सीन था जो हो गया? सबसे पहले तो दुलचंद जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इनके साथ हमारा जो संबंध है काफ़ी पुराना है, और भी काम है उसके पहले हम कर चुके हैं। इनके साथ मैंने ऐड फिल्में भी की हैं और काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं और एक बहुत ही खुले दिल के इंसान हैं। और अभी ये जो फिल्म कर रहे हैं त्राहिमाम, इसमें मुझे जो रोल दिया गया है मतलब खनन माफिया का, तो खनन माफिया हैं आडी ईरानी हमारे जो दोस्त हैं, शराब माफिया हैं तो ये सब माफिया हैं इस तरह से। और एक्चुअली ये जो कहानी है ये मतलब राजनीतिक पॉलिटिशियंस एंड माफिया के अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं, जो जिस तरह के काम होते हैं, जैसे आप हम देखते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम पेपर्स में भी और चैनल में भी देखते रहते हैं काफ़ी। और जैसा कि दुष्यंत जी ने बताया कि जो सत्य घटना पर आधारित है ये, तो बहुत ही उसी तरह से सत्यता को लेकर के ये फिल्म की शूटिंग भी हो रही है और बहुत ही रियलिस्टिक के साथ इसका काम हो रहा है, इत्मीनान के साथ काम हो रहा है और सोच समझ के काम हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये दिल खोल के इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं कर रहे हैं मेकिंग में, तो हर तरह का जो जिस तरह का जो शॉट चाहिए उनको शॉट ले रहे हैं, जो जिस तरह की कहानी होना चाहिए उस तरह, और वी आर इन्जॉइंग। तो आज जो हमने सीन किया है जहाँ पर के एक विधायक है जो ऑलरेडी MLA बन चुका है और जिसको हमने मतलब पैसे दे करके हमने MLA बनाया, हमने और इन सब लोगों ने मिल करके जो मदद की है उसके इलेक्शन को, उसको चुनाव जितवाने में, आज वो हमारे खिलाफ हो गया। बताइए, उसने हमको मड़वा डाला, तो बहुत ही सोचनीय स्थिति है ये। आप ये समझ मत दीजिए कि ये सिर्फ फिल्म बन रही है, ये हकीकत है। आप सोच लीजिए कि क्या होना, कोई कुछ भी कर सकता है यहाँ पर सत्ता पाने के लिए, तो ये हकीकत है, ये एक कटु सत्य है जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उसी पर ये आधारित फिल्म बनी है। हमें देखिए, आप वो ऐसे ही MLA बनता है और मतलब उसको लगता है कि अब ये इन्होंने, इनका तो काम, इनसे जो मेरा मतलब था तो इनसे जितना वो करना था ये जो इससे हमको लेना था ले लिया मैंने, अब इनका मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं, तो हमको मरवा देता आपस, हमें ही मार डालता। तो और कहानी ये है कि ये मुझे मारते हैं और वो किसी और दूसरे हमारे एक बंदे से इनको मरवा देता, तो इसी तरह जो है हमारा का ये अंत हुआ है। अभी जैसा कि आप मेरा गेटअप भी देख रहे हैं और भाई का भी गेटअप है, अब ये भी अडी ईरानी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो शायद तड़प रहे हैं इस वक्त कि मैं ये छोड़ें तो मैं कुछ बोलूं, तो मैं कुछ थोड़ा तड़प तो बहुत थी लेकिन मेरी सारी की सारी तड़प इन्होंने त्राहिमाम कर दी है। चलो, बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? हाँ, मेरा किरदार भी बचा है सर से, बच्चा तो कुछ भी नहीं, सारा कुछ बता दिया इन्होंने, पर मेरा कैरेक्टर जो है वो सेम इन्हीं के इसी टाइप का कैरेक्टर है मेरा, माफिया, शराब माफिया का कैरेक्टर है जो, लेकिन मेरा थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इनका शॉर्ट टेम्पर वाला शराब माफिया के जो कुछ हो गया करके सीधा गर्म हो जाता है, मारने तोड़ने पर आ जाता है, मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा समझदार सुलझा हुआ कैरेक्टर बताया हुआ, ये फर्क है। पूरा सत्यानाश इन्होंने कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ उसका वो सोच खराब हो गई है मेरे सामने। बट एक्चुअली इसमें जो सत्य घटना पर जो इन्होंने बताया वो ये बताया कि भाई पॉलिटिक्स एक ऐसी गंदी चीज़ है, एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, कि पॉलिटिक्स में आदमी जो है अपनी कुर्सी के बारे में सोच करके आगे बढ़ता है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे उसको अगर जो अपने फैमिली का भी त्याग करना पड़े, अपनी दोस्तों का भी त्याग करना पड़े, ख़त्म करना पड़े, वो कर देते हैं। उसमें कोई फैमिली नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कुछ नहीं। ये चीज़ इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है, और न देश का सोचते हैं न किसी का सोचते, सिर्फ पॉलिटिक्स, हमारी कुर्सी, ये वाली बात। और इस फिल्म में जो सबसे खूबसूरत बात है, ये भी नहीं बता रहे, मुश्ताक भाई, आदि भाई, पंकज जी, दे ऑल आई यू नो वेरी गुड फ्रेंड टुगेदर,
तो ये फिल्म दोस्ती दोस्ती में ऐसा सेट पे माहौल है कि लगी ना कोई शूटिंग करने आए हुए नहीं, पर क्या क्या होता है ना कि दोस्ती में आप जब, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्ती में अगर जो आप बोल रहे हो कि दोस्ती में बन रही, बात सही है आपकी, लेकिन दोस्ती में जब बनती तो फिर हमें ही बन जाती फिल्म। ये इन्होंने दोस्ती में जो फिल्म बनाई ना, हम जो इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस जो इतने सालों का हमको हो रहा है ना, मतलब वो वैसा लग ही नहीं रहा है कि हम किसी छोटी फिल्म में काम कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म में काम कर रहे हैं। नहीं, और फिर क्या दोस्ती जो होती है वो सेट में जाने के पहले हम लोग मिलके अभी या 10-15 मिनट आपस में जो है वो हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन जब सेट पे जाते हैं तो फिर वो दोस्ती यारी नहीं होती, वहाँ पर ये डांट सकते हैं और डांटते भी हैं, सीधी सी बात है। नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं ये चाहिए, यार चुप रहो यार, मुझे ये लाइन चाहिए चाहिए, या मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। तो वो बात भी है, ये नहीं कि सेट पे कैमरे के सामने सीन जो है वो करके आर्टिस्ट जो है हंसी मजाक, वैसा कुछ नहीं है वो दोस्ती, वो सब होता है। उसके बाद जब हम सेट से बाहर आते हैं तो फिर मस्ती है। सर एक आखिरी सवाल आपसे सर, क्योंकि रियल स्टोरी पर बेस्ड है, तो रियल स्टोरी पर बेस्ड जितनी भी फिल्में आती हैं कैप्टन ऑफ शिप के ऊपर जो होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं क्योंकि रियल स्टोरी है, कुछ मिस ना हो जाए, फैक्ट दिखाना है, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे में बढ़ जाती है सर, ये आखिरी सवाल। देखिए, रियल स्टोरी का फैक्ट दिखाना तो मेरे ख्याल से संभव ही नहीं है किसी के लिए, क्योंकि एक चलचित्र जो कि गुजर चुका होता है, तो कहते हैं ना एक थंब इम्प्रेशन उसका दूसरा थंब इम्प्रेशन नहीं बनता। हम केवल उन लकीरों को चेस कर सकते हैं, और उन लकीरों को चेस करते समय हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि वो स्टोरी जिन लोगों के साथ घटित हुई उनकी भावनाएँ आहत ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा कमर्शियल यूज़ किया गया। लेकिन हम लोग ये सोच होती है कि हम लोग रियल स्टोरी से लोग से प्रेरित होकर ऐसा सब्जेक्ट बनाएं जिससे लोग आगे क्रिटिसाइज ना हो या यूज ना हो, तो वो प्रयास करने की मैंने कोशिश की है। और इसमें मैं अगेन फिर बोलता हूँ कि मेरे साथ बहुत दिग्गज आर्टिस्ट काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी हम लोग थिएटर में आप सबसे मिलेंगे इस फिल्म को लेकर। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं समझता हूँ बहुत ही लोगों को खुशी होगी, और बहुत दिन के पश्चात ये चीज़ पर्दे पर आ रही है। आनंद जी, आप इस फिल्म में एक बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं, तो उस किरदार के बारे में बताइए, त्राहिमाम में आप जो किरदार निभा रहे हैं। हाँ, त्राहिमाम में मेरे को इन्होंने DIG का रोल दिया है, और बड़ा ही अच्छा रोल है। और त्राहिमाम एक उत्तर प्रदेश की कहानी है, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गैंगवार चलती रहती है, इसमें पंकज बेरी साहब अहम रोल अदा कर रहे हैं, और बड़ा ही अच्छा पिक्चराइज किया जा रहा है। सर, आपका जो पॉलिटिकल, जो आप अभी पोस्ट पे हैं, पॉलिटिकल प्रोड्यूसर, एक्टर, ये इतने सारे डिपार्टमेंट कैसे संभाल रहे हैं? देखिए, मैं पहले व्यापारी हूँ, गाज़ियाबाद में मेरा व्यापार भी है, लोहे का बहुत बड़ा व्यापार है, दूसरा इंस्टीट्यूशन भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA कॉलेज वगैरह है। इसके बाद सरकार ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, बाल भवन का उप प्रधान मेरे को बनाया गया है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में इसलिए इंटरेस्ट लेता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ मेरे अंदर ये चाह रहती है कि पब्लिक के लिए करता रहूँ, और बाल भवन के लिए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं दिव्यांग बच्चों के लिए काफ़ी कुछ करने वाला हूँ। मैं बॉम्बे के, महाराष्ट्र के भी बाल भवन का इंस्पेक्शन करके आया, पिछले टूर पे गया था। वास्तव में यहाँ पर उसका जो फ़ायदा बच्चों को पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच रहा है, मैं उसको भी आगे बहुत आगे बढ़ाने वाला हूँ। तेनालीरामा के बाद अभी मूंछों में देख रहे हैं आपको, और त्राहिमाम करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, भाग रहे हैं, आपकी आवाज़ सुन के क्या बात है? जी हाँ, वो अभी तेनालीरामा शो ख़त्म हुआ, और तथाचार्य का भी मेरा काम फिनिश, और लेकिन वो एक यादगार जो किस्सा है वो तो तथाचार्य हमेशा याद किया जाएगा। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि भाई तथाचार्य मैंने कर लिया, जिसमें सभी रस थे, इतना कुछ था, सब कुछ तो करने को मिला उस कैरेक्टर के अंदर, अब और क्या करूँ, नया क्या करूँ। अब वो नए नए चैलेंजेस ढूंढ रहा हूँ कि नए चैलेंज मिलते रहें। अभी मैं एक फिल्म करने गया था लखनऊ में, वो देहाती डिस्को करके आया। अभी ये त्राहिमाम फिल्म जो अपना दुष्यंत भाई की फिल्म है वो मुझे करने को मिली, बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, बड़ा सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, एक रियल घटना के ऊपर है ये फिल्म, ये घटना कहीं UP में घटी थी उसके ऊपर बेस ये फिल्म है, और इसमें एक बड़े चतुर चालाक सुलझे हुए और थोड़े से
नेगेटिव जो एमएलए हैं, ये जो नेता हैं, उसका मैं किरदार कर रहा हूँ, जो बड़े स्कीमिंग करते हैं और अपने पत्ते चलना बड़े अच्छे से जानते हैं, ये कैसे अपने पत्ते फेंके जाएं और कैसे अपने पत्ते चले जाएं और कैसे जीत हासिल की जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आई एम एंजॉइंग दिस रोल। एक गेटअप भी बड़ा अच्छा लग रहा है, स्क्रीन पर बड़ा अच्छा लग रहा है, सो मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है त्राही माम करके। दुष्यंत जी के साथ कैसा लगा काम करके, क्योंकि बहुत फास्ट काम कर रहे हैं? दुष्यंत जी के साथ मेरा बड़ा पुराना रिलेशन है, बहुत साल पुराना, कई बार मैंने काम किया दुष्यंत जी के साथ। इनकी फिल्म अभी लास्ट शतरंज थी, उसमें मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी, इसमें इन्होंने थोड़ा भरपूर रोल दिया है और आगे भी करता रहूँगा। दुष्यंत जी के साथ काम करने का एक अलग आनंद है, ये बेसिकली बहुत फास्ट काम करते हैं, ये समय बिल्कुल भी मतलब बर्बाद करते ही नहीं है, धड़ 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 शॉट लेते हैं। और अच्छी बात क्या है कि मल्टी कैमरा सेटअप में काम कर रहे हैं, ताकि एक साथ दो दो तीन तीन शॉट मिल जाते हैं, तो एडिटर को खेलने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बिकॉज एडिटर को इतना मटेरियल दे रहे हैं कि एडिटर आराम से बहुत कुछ उसमें खेल सकता है। दे वेरी इंटरेस्टिंग। और अच्छी बात यह है कि खुद में इतनी ऊर्जा है दुष्यंत सिंह में कि वो बाकी जितने भी सेट पे होते हैं वो ऊर्जावान हो जाते हैं, उनमें वो ऊर्जा आ जाती है, बिकॉज डायरेक्टर हिमसेल्फ इज़ वेरी एनर्जेटिक, सो एवरीबडी फील्स वेरी एनर्जेटिक ऑन द सेट। सर आप अपने किरदार के बारे में बताइए। मेरा किरदार एक माफिया का है, एक माफिया का किरदार है, आनंद सिंह नाम का एक माफिया है, और काफ़ी उनके काले कारनामे हैं, दो नंबर के सारे धंधे हैं, उस तरह का एक रोल है, काफ़ी अच्छा रोल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है, और मैं भी कैमरे का सामना दूसरी बार ही कर रहा हूँ, एक बार बहुत छोटा सा एक किया था और ये बड़ा रोल है। तो प्रोड्यूसर बनके और एक्टर बनके किसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है? नहीं, प्रोड्यूसर का तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग का एक छोटा सा कीड़ा कहीं है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है अपनी ही फिल्म में जी। कि अपनी फिल्म में एक रोल करें और उसके साथ न्याय करें, क्योंकि फेस भी और लुकिंग भी काफ़ी माफिया टाइप मिलता जुलता है। दुष्यंत जी को भी पसंद आया, जब पहली बार उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप कर सकते हो, तो मुझे लगा करना चाहिए। आपके बगल में पंकज जी बैठे हैं, इतने मंचे हुए कलाकार हैं, तो इनके साथ कैसा लगा सीन कर? सर पहले दिन तो मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मेरे साथ चार बड़े एक्टर जो इस्टेब्लिश हैं ऑलरेडी 30-30 सालों से, और मेरे को खड़ा होने में बहुत घबराहट हो रही थी। जब हम चारों का शॉट था, पंकज जी थे, आदि ईरानी थे और मुश्ताक भाई थे, तो मैं तो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन तीनों एक्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो शॉट हम उनके सपोर्ट से निकाल पाए। एज ए प्रोड्यूसर आप क्या मैसेज देंगे इस फिल्म से? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो पंकज भाई ने जैसा आपको भी बताया, ये रियल स्टोरी है, ये एक यूपी की गांव के आसपास की एक घटना है, और ये घटना काफ़ी बड़ी घटना थी, और उसको दुष्यंत जी ने एक रील में एक पर्दे पर उतारने की कोशिश की अच्छी तरह से, कि लोग जान पाएँ कि घटना के बाद क्या क्या फेस करना पड़ता है जिनके साथ घटना होती है, उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त क्या फील करते हैं और कैसी विडम्बना और कैसी उससे वो निकलते हैं, तो वो इस फिल्म में दिखाया गया। लॉकडाउन में आपने एकदम फास्ट शूटिंग हो रही है, लॉकडाउन खत्म होने तक लगता है फिल्म रिलीज भी कर लेंगे आपने? दुष्यंत जी से काफ़ी टाइम से, लॉकडाउन से पहले से ये चल रहा था डिस्कशन, और स्टोरी वगैरह सब लॉकडाउन से पहले थी, लेकिन लॉकडाउन में दो तीन महीने, तीन महीने तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन जब पहला लॉकडाउन जब ओपन हुआ तब दुष्यंत जी के साथ बातचीत हुई, और ये रहा कि जैसे ही ओपन होगा अपन शूट चालू कर देंगे। सारा डिस्कशन पहले से ही पंकज भाई और इनके साथ सब चल रहा था, लेकिन जैसे ही खुला और दुष्यंत जी जैसा कि पंकज भाई ने बताया फास्ट काम करते हैं, फटाफट शूट चालू हो गया। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू।